वेलकम टू कंपटीशन। अब बात आज हम बात करने वाले हैं एज रैंकिंग वाले मैटर की, आखिरकार है क्या और क्यों आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है ये मैटर। इसे यदि आप इससे अफेक्टेड नहीं है तो ये मत सोचिए कि ये आपका भी इशू नहीं है, ये आने वाले टाइम में आपका भी इशू बन सकता है। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे कॉम्पिटिशन हब के पेज को, जो FB पेज है जहाँ पर आपको डेली GK और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सब उसको लाइक या फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। एज रैंकिंग का जो मैं आपको मैटर बता दूं, ये मैटर है कि 1 जनवरी जो SSC को एज मांगनी चाहिए अपने CGL के एग्ज़ाम में, उसको उसने क्या किया है, 1 अगस्त से काउंट करवा रही है 2018 के नोटिफिकेशन में। अब मैं इससे बात बता दूं, जैसे कि आपकी यदि एज, आपकी यदि बॉर्न आप जैन से लेकर जुलाई के बीच में हैं तो, और यदि आपकी एज 27 साल हो रही है तो आप केवल और केवल, यदि इस बीच में आप हो रहे हैं तो आप केवल और केवल कुछ पोस्टों के लिए ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, पूरे के पूरे CGL के लिए आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, केवल और केवल कुछ पोस्ट के लिए। अब आपको एक चीज़ बता दूं, मैं यहाँ पे 27 प्लस वाली बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता दीजिएगा, यदि यही आपका एज रैंकिंग का मैटर आपका सॉल्व हो जाए और 1 जनवरी कर दी जाए तो आप सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यदि आप जैन से लेकर जुलाई के बीच में भी आ रहे हैं, यदि आप इफेक्टेड हैं। ये केवल उन लोगों के लिए है जो पर्टिकुलर एज, जिनकी 27 प्लस हो रही है और किस कंडीशन में, जब काउंटिंग जुलाई से हो रही है, सॉरी अगस्त से हो रही है। मैं आपको एक बात बता दूँ सबसे पहले कि जो SSC ये जो गाइडलाइन फॉलो कर रही है 1 अगस्त वाली, ये गाइडलाइन उनकी बहुत पुरानी गाइडलाइन है, इसमें चेंजेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा खुद चेयरमैन बोल रहे हैं, एक्स चेयरमैन SSC के सोशल मीडिया पर लाइव आकर। तो आप चीज़ों को समझिएगा, यदि आप इससे अफेक्टेड नहीं है तो ये मत सोचिएगा कि ये आपका इशू नहीं है, ये आप जैसे आपके हो सकता है भाई बहनों का इशू हो या आपके दोस्तों का इशू हो, ये मानिए ये एक SSC की बहुत बड़ी गलती है जिसको आपको सुधार लेके आना है, इसमें बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों के साथ सबसे बड़ी अचीवमेंट वाली बात यह है कि 2 बार SSC ने 2015 में और 2016 में, उससे पहले हमेशा SSC 2014 तक 1 जैन ही उन्होंने मांगा है ये, कि जो उनका क्राइटेरिया था 1 जनवरी ही था। लेकिन अब क्या किया है उन्होंने, 2015 और 2016 में भी इसको 1 अगस्त मांगा था, लेकिन लास्ट टाइम पे, लास्ट के 3-4 दिन पहले उन्होंने चेंज किया, और चेंज इसलिए किया कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा ग्रीवेंस सेंड की थी। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, अभी SSC पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और आप लोग जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली NCR में रहते हैं, मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए जितना जल्दी हो सके। आप ये मत सोचिए कि ये आप इससे अफेक्टेड नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे, इसको छोड़िएगा मत, और इस चीज़ के लिए आपको लड़ना होगा हर कंडीशन में। ये कुछ एक आपको सामने लिंक दिख रही है, ये सारी की सारी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, PG पोर्टल है, PM इंडिया का है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रीवियंस सेंड करनी है, 1 दिन में 1000 कीजिएगा। ट्विटर पे भी आप कैंपिंग चलाइए, 2 से 3 दिन काफ़ी होते हैं, उन लोगों को पहुँच जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस तरीके से @ करके, और पूरा का पूरा मैटर डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, प्रेसिडेंट को भी पोर्टल पर लिंक ये दी हुई है, यहाँ पे भी अपनी कंप्लेंट सेंड कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में 2-2, 3-3 हज़ार कंप्लेंट सेंड कीजिएगा। मुझे पता है इस चीज़ से यदि पीड़ित बच्चे होंगे तो कम से कम नहीं तो सैकड़ों में नहीं हज़ारों में की तादाद में पीड़ित होंगे जिनका एज 27 प्लस होगा, और जो लोग इफेक्टेड होंगे जिनके लिए कुछ केवल को केवल कुछ पोस्ट ही बचेंगी यदि ये काउंटिंग 1 अगस्त से होती है तो। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है, यदि आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो ये जो नंबर आपके सामने दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉल कीजिए, ये लोग इसमें फिजिकली भी इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं जिसमें आप लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को SSC ऑफिस में जाना पड़ेगा, और आपको सिर्फ एक बार जाना है, अच्छे से अपने शानदार तरीके से आप जाइए, अपनी बात को रखिएगा, और निश्चिंत रह के आप ये मानिएगा कि ये आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, इसमें जो आपका मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा। और ये आपको ये सॉल्व इसलिए कराना है क्योंकि आप सभी को पता है SSC में बहुत सारी छोटी छोटी बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं, छोटी भी खामियां हैं, बड़ी भी खामियां हैं, तो उनमें से एक ये खामी है, इसको आपको सॉल्व कराना है, इसको आपको ही सॉल्व कराना है, और आपको इसके लिए फाइट करनी ही होगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू अ वैल्यूएबल टाइम।